हैप्पी बर्थडे टू यू, कवाली गा, कवाली गा, हैप्पी बर्थडे डियर इमरान, या अल्लाह तेरी उम्र हो 100 साल। मत कर यार, तू अलग ही। धीरज और मोनू आए थे तो मोनू लड्डू खा रहा है, धीरज पढ़ रहा है और मेरा ऑफिस चल रहा है, तो आज मैं नहाया भी नहीं हूँ। और गुड मॉर्निंग गाइस, सबको राम राम। तो मेरे को गालियां दे रहे हैं, कोई नहीं, जब मेरे पे पैसा आ जाएगा लगेगा। जो इस वीडियो को लाइक करेगा, इसके चैनल को सब्सक्राइब करेगा ना, मैं कट कर दूंगा। कोई जब मैं बड़ा व्लॉगर बन जाऊंगा, जब मेरे पे पैसों की वर्षा होगी, वर्षा तब देखूंगा, तुम खुद ही आओगे मेरे यू करके। ठीक है, यहाँ सुबह एक फोटो है, रूड बॉय, रूड बॉय, रूड बॉय, मेरा मजाक उड़ाते मेरे दोस्त को। मामा तो वैसे भी गुजरे, मैं तो खा लिया। मुझे ऐसे दोस्त पसंद है जो मेरे घर आए और मेरे को तरह तरह की चीजें खिलाए। ठीक है, पुनीत सुपरस्टार, ये लॉर्ड पुनीत सुपरस्टार, लॉर्ड, लॉर्ड। अब उसके कमेंट में लिखा रहा लॉर्ड, लॉर्ड, लॉर्ड मतलब वो भगवान वाला लॉर्ड। लापिनो का पिज्जा है गाइस, इसके अंदर पिज्जो यू आपको खाना है तो आप मंगा के खा सकते हैं। लापिनो का पिज्जा है ना, वो मेरे को बढ़िया नहीं लगा, उसका बेस इतना पतला है, और डोमिनोज वाला बढ़िया है इससे, मेरे को डोमिनोज का बढ़िया लगता है। ये मैंने फर्स्ट टाइम खाया लापिनो का, तो कभी मंगाओ तो देख लेना, डोमिनोज का ही मंगाना। बोल ले हसरा, हसरा बोल ले भाई। किसने पूछा तेरे से देखो कौन सा अच्छा लगता है, कौन सा मेरे वो है। जब लोग तेरे कमेंट करके बोले ना कि भैया जाओ और जाके ट्राई करो वो वाला पिज्जा और वो वाला पिज्जा और हमें कंपैरिजन बताओ, तब वीडियो डाला कर, तो लोग पूछ थोड़ी हैं तेरे से, तो लोग मेरे को पैसा भी दे देना फिर वहां जाने की। वो तो भाई इन्वेस्टमेंट है, कुछ करनी पड़ेगी, आगे करेंगे, बहुत धीरे धीरे होगा सब। गाइस एक चीज दिखाऊं तुम्हें, ये देखो पता है ये क्या है, ये चोकोलावा केक, तो ना आप इसको ऐसे भी खा सकते हो, जैसे आपको सब्जी खाने का मन ना कर रहा हो ना आलू गोभी की, तो आप चोकोलावा केक। पाप लगेगा, पाप भगवान करे तेरी मैगी में मसाला ना निकले। आपको जो अच्छा लगे ना वो खाओ, आपको आलू गोभी में शेक डालना है या फिर स्प्राइट डालनी है आप डाल सकते हो, बकायदा, बस आपकी चीज आपको पसंद आनी चाहिए जो आप खा रहे हो। घर चले जाओ भाई, तुम क्या कर रहे, सारे गिरा दिया, दिखाना क्या गिराया, दिखाओ क्या गिराया, क्या इसमें क्या है इसमें, ओएस। आज मैं बैक कैमरे से ट्राई कर रहा हूँ, दोबारा मैं करता नहीं हूँ, फ्रंट से करता हूँ। ये डिम्पी, ये बोलो, हम पोल का पे आए हैं, डोनट ट्राई कर रहे हैं। तूने खाया डोनट पहले कभी? नहीं, कभी नहीं, फर्स्ट टाइम खाया। मैंने खिलाया था पहले। अरे ये खाएगा ना, फर्स्ट टाइम हमने तो खा रखा है, तूने खा रखा है पहले? हाँ। मैंने तो कॉलेज टाइम पे खा रखा है, कॉलेज टाइम पे लड़कियों के साथ बाहर निकल ही जाते थे, बस फर्स्ट ईयर में। उसके बाद उन्हें पता चल गया था ना नारायणा का, तो मेरी लैंग्वेज से वो थोड़ी सी परेशान हो जाती थी, नहीं लेकिन वो सेफ फील करती थी जब मैं उनके साथ घूमता था, बिकॉज उस टाइम पे मेरी बॉडी अच्छी थी और मैं उठापा भी तार देता हूँ कई बार जब भसूड़ी हो जाती है। तो पहले यूं बता, लग कैसे रहा तूने पहली बार खाया? बिल्कुल डोनट जैसा भाई, ऊपर का है नीचे का बारा, सूखी लिंडी है, सूखी लिंडी खा रहा देखो, ये सब वर्ड मत बोलना भाई, ब्रांड में चॉकलेट हर चीज गिर के दे रखा, इमरान के घर जा रहे हैं, इमरान का बर्थडे था एक दिन, तो उस दिन मिल नहीं पाए थे बिकॉज ऑफ सम रीजंस, बिकॉज ऑफ सम रीजंस,
सम पर्सनल रीजंस वो अपने बंदी के साथ भी सीधा भाई, वो दोस्तों को थोड़ी ना बट डाल दी उसका केक कई और था समझ रहे हो हो गया तो इसलिए हम अभी जा रहे हैं उसके घर पे, इसलिए ये सारा हरकतें कर रहा है, इसलिए हम अभी जा रहे हैं उसके घर पे। और भाई के पीछे खड़ी है सूरज के पापा अंकल, अंकल सब आए तो कर दो एक बार। ये मेरा फ्रेंड है सूरज, वो ना बीट बनाता है, बीट प्रोड्यूसर है, गानों में बीट्स वगैरह बनाता है, तो उसके फादर है, हमारे पास जाते थे अंकल। अभी इन्होंने पोलका की फ्रेंचाइजी ले ली है नारायण वाले की, जो कभी भी आओ अंकल से मिले, ठीक है अंकल आपको सस्ता देंगे लेकिन हिसाब से। हैप्पी बर्थडे ब्रो। हाँ भाई, भाई पजामी में बैठा ही है। कौन सी रूपा की पजामी पहनी हुई है, रूपा ऐसी घूम रही है। हैप्पी बर्थडे, बुझाना फूंक मार पहले, कान में से ईयरबड निकाल, ईयरबड निकाल कान में से, चल। हैप्पी बर्थडे टू यू, कवाली गा कवाली गा। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर इमरान, या अल्लाह तेरी उम्र हो 100 साल। हैप्पी बर्थडे टू यू, ओए चलो खिलाओ इसको। अरे मेरे को भी खिला दो यार, ले खा जा पूरी पूरा खा। दीवारों पर से उतरेगा भी नहीं भाई। आइसक्रीम ब्रेक भाई, पहले हम पता क्या करते थे, बर्थडे पे ना आइसक्रीम लेके आते थे, और जिस बंदे का बर्थडे होता ना, ठंडो चाहे गर्मी हो चाहे ठंडो, भाई उसे रगड़ते थे आइसक्रीम से बहुत बुरी तरह। पर अब हमने बंद कर दिया, एक बचिया और एक भाई डिम्पी के मैंने घर पे हमने केक कट किया था भाई, ऐसे केक को चाल चाल का मार रहे, इसका कमरा पूरा भांड दिया था, याद है वो वीडियो पड़ी है, और वो साफ किया था बस्टू ने, इसका डॉग है बस्टू, उसने चाट चाट के साफ किया था पूरी। चलो अभी खा ले, बोलिंग 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 देख ले भाई, तो पूरा गंदा गोरा, इसके मार सारे पागल है यार। सो भाई अभी हम खाने वाले हैं, क्या खाने वाले हैं, वहाँ पे है बिरयानी, बिरयानी खाने वाले हैं इमरान के घर पे। सो मेरे कुछ भाई मेरे से परेशान रहते हैं कि मैं थोड़ा मुसलमानों के बारे में बोलता हूँ, तो भाई ये मेरा दोस्त है इमरान, और ऐसा कुछ नहीं है, मैं तभी बोलता हूँ जब कुछ सीन होता है, कोई बोलता नहीं है, तो उस चीज को ध्यान में मत रखना। और वैसे तो हम दूसरे वाले रूम में खाने वाले थे, लेकिन हम यहाँ पे इसलिए खा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हमारी प्राइवेसी रहेगी, और जो हम फालतू बकवास करेंगे वो फैमिली वाले नहीं सुनेंगे, इसलिए हम और गंदमी मचाएंगे खाते हुए, तो इसलिए नीचे बैठ कर आराम से खा रहे हैं। और हाँ मैं मचाऊंगा ना, मैं ही तो हूँ अपराजक तत्व। नहीं पता अपराजक तत्व क्या होता है, वो अपने मदर फादर से पूछे अभी वीडियो को स्टॉप करके, जिन बच्चे एंटरटेनमेंट दे। और अब मैं बताता हूँ क्या होता है, पहले तुम अपने घर वालों से पूछ लो, उसको बोलते हैं डिस्टर्बिंग एलिमेंट, जो वसूली करता है ना, परेशान करता है, क्या न्यूसेंस। अभी गौरव और बताएगा अपराजक तत्व को क्या बोलते हैं, बता भाई। अबे भाई क्या मतलब उसमें, देख अपराजक तत्व पता है कौन होता है, जो ना
हर जगह भसूड़ी करता है, नहीं न्यूसेंस क्रिएट करता है, वो बताओ न्यूसेंस क्रिएट करता मतलब ना। अरे होता है यार, मैं कभी मैम बोलती थी स्कूल में होता है। मैं भी वही था भाई। यहाँ पे चल रही है ट्रेडिंग, जिनके कितने रुपए डूब गए ब्रो, डूबे डूबते नहीं भाई, डूबते नहीं है, नहीं डूबे तो मैं फिर तेरे को दे दूं महीने के 200 रुपए। अच्छा कितने देने पड़ेगा महीने के, 500 कम से कम भाई, 10,000 रुपए इतनी तो मेरी सैलरी है। मोदी गवर्नमेंट से पहले क्या था, कुछ भी नहीं था। मोदी से भाई, अगर तुम्हारा दोस्त दिमाग में आग लग जाएगी और तुम अपने पैसे उन्हें दे दोगे और वो डुबा देंगे। अमीरों की स्कीम मेरे हाथ लगी है, 25 दिन में पैसा डबल, 25 दिन में पैसा डबल, तो मुझे भी डबल कराना है पैसा। तो बेटा एक काम कर, सरसों का तेल लगा के उल्टा लेट जा। तो गाइस अभी लाइट यहां पे, लाइट यहां पे, अभी मैं जा रहा हूं इमरान का बर्थडे आज, और यार मैं ओवर एक्टिंग करता हूं। मेरे को एक बात समझ नहीं आती, जब मैं इधर को इधर आडम भी, जब मैं ऐसे बोलता हूं धीरे से नॉर्मल करके, तो मेरे आधे दोस्त बोलते तू शरीफ बन के क्यों बोलता, तू वैसे बोलेगा अरे क्यों हो गया लाइक दिस, पर जब मैं ऐसे बोलता हूँ अपनी नॉर्मल उसमें, अरे क्यों हो गया यार आधा ना ये वो, तो मेरे को बंदे बोलते हैं तू तो ऐसे देसी लैंग्वेज में बात करता है। भाई मैं क्या करूँ, मर जाऊँ, नेचुरल है भाई, नेचुरल जो बोल रहा है भाई, कौन बोल रहा है, ये भी बोलता है, ये बोलेगा रोहित आया, रोहित मेरे को कह रहा मच्छर, कह रहा कि तू ऐसे की बोलता है शरीफ बन के, तू तो हरामी है ना, हमें मारता था स्कूल में, वैसे ही बोलेगा हरामी, तो बोल तू ये वट्टा मार के, और बोल गया ये वट्टा मार के। तो भाई मैं घर आ गया, और शाम को मैं दोपहर में तो मेरे दोस्त आए गए थे, और शाम को इमरान के घर चले गए थे, उसका बर्थडे था तो उसने बुलाया हुआ था, डिनर पे गए थे, और मेरे को सुबह कल डांट पड़ सकती है बिकॉज मैंने घर पे खाना नहीं खाया, क्योंकि वहाँ पे पेट भर गया यार, घर पे कैसे खाऊंगा, और मम्मी से खाना बनवा लिया था, तो इस चक्कर में डांट पक्का पड़ेगी कल, और अब को कल सुबह ऑफिस के लिए उठने की दिक्कत, अभी वीडियो एडिट करूँगा बैठ के भाई, रात को 2:30 बज जाते हैं आराम से मेरे को अपलोड करने में वीडियो, और एडिट भी करनी होती है, टाइम लगता है ना, तो बस यही है। और आपने वीडियो देख ली यहाँ तक तो भाई अपना लाइक कर देना, पसंद आई होगी तो, और जो आपका सबसे फनी पार्ट, अगर आपको इसमें कुछ लगा हो या कुछ सजेशन देना चाहते हो तो आप कमेंट छोड़ सकते हो आप अपना, एंड चैनल पे नए हो तो गाइस सब्सक्राइब कर देना, ऐसी वीडियोस आपको मिलती रहेगी मेरी रोज़ाना ज़िंदगी की, क्या चलता है, ज़्यादा खास तो कुछ अभी है नहीं, जो भी है सो मैं आपको दिखा देता हूँ, और छुट्टी वाला दिन होता है सैटरडे संडे, या तो उस दिन मैं कहीं बाहर घूमने निकल जाता हूँ तो बढ़िया ब्लॉग बन जाता है, इंटरेस्टिंग, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग ब्लॉग बन जाता है, और नहीं तो मैं पूरे दिन सोता ही रहता हूँ यार, सैटरडे संडे मेरे को मिलता है छुट्टी का तो मैं सो जाता हूँ। चलो भाई राम राम, सब अपना ध्यान रखें, बाय बाय।